बड़े संजीदगी वाले मुद्दे लैके पंजाब के भरते मसले लैके गवर्नर साहब नाल मुलाकात की है। धन्यवाद करते हैं उन्होंने कि उन्होंने 16-17 मिनट साड़ी गल सुनी, बड़ी पेशेंट हियरिंग दी और किया कि आई एम लुकिंग इन टू द मैटर। ही शोड हिज कंसर्न अबाउट दीज बर्निंग इशू। देखो सब तो पहली गल तो यह कि आम आदमी पार्टी की सरकार भावें 30-40 दिन पुरानी हो पर लोगों एक गल चलेगी कि इन्हों के बस की नहीं, लोगों एक गल चलेगी कि सुपन के सौदागर सी इन्ह झूठ बेचे। इन्ह सत्ता हासिल करने के लिए वो झूठ वेले बोले जिन्होंने वंडियां पाती पंजाब। असल गल ये और मैं पहले दिन तो कहता सीगा, पिछले एक साल तो कहता रहा कि पॉलिसी ड्रिवन बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए है ता सुपने साकार होंगे है। तो अज ना सिर्फ लोगों के सुपने टुटे है पर उम्मीद भी टुटी है। और जो अज तक पंजाब कदे नहीं होया वंड पै गई, जो अनाउंसमेंट की सी बिजली की यह नहीं क्या कि इस किसी एक वर्ग न असी देंगे, सारियां देन का वचन दिता सी। ते आज पहला तो जनरल कैटेगरी तो मुकरे ते फिर साडे भाईचारे एससी भाईचारे एसटी भाईचारे उन्होंने लिए भी एक कलो वास्ते उतरे। इहदा कारण यह है कि पंजाब दे कोल साधन नहीं है। और मैं 1.5 साल का कहिंदा आया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर नूं छड्ड के पंजाब दे हर पख दे मसले का हल इनकम है, वह नहीं जनरेट हो रही। PSPCL 17,000 करोड़ रुपये का बैंकों तो कर्जा ले बैठी है, 20,000 करोड़ की सरकार की देनदारी है, तनखा उन्होंने 500 करोड़ रुपया कर्जा लेके दी है। ये वड्डे वड्डे बांस की तरह लंबे उच्चे वहदे अंदरों खोखले करन दी की लोड़ सी। पंजाब की वित्तीय स्थिति सर देश च सब तो माड़ी है। दुर्भागपूर्ण है कि साड़ी सारे पंजाबियों की जिहड़ी इनकम है उहदा 55% हिस्सा कर्जियां च जा रहा है। 85% पंजाब का जिहड़ा बजट है वह या तो तनखाहां च पेंशनां च या कर्जा लैण ते मोड़न च जा रहा। इस करके ये बड़े संजीदगी वाले मुद्दे ने, चादर देख के पैर पसारना चाहिए। बिजली के उत्ते एक होर गल कह दें कि अज 8,000 मेगावाट डिमांड है ते सरकार का बैंड वजिया पिया, बां बां हुई पई है, थर्मल प्लांट शट हो रहे हैं, कोला 30 दिन का चाहिए मैंडेटरी, 8-8, 10-10 दिन का रह गया। तो तुम अंदाजा ला लो जो ट्रेलर यह जहाँ चलिया तो फिल्म कह जी होगी। जो 15,000 मेगावाट डिमांड आई, 15,000 मेगावाट डिमांड आई और 1.5 महीने चाहनी है तो किमें पूरी होनी है। जो साड़ी सरकार सी मैं उदों चंदी सरकार ने टैरिफ ऑर्डर इशू किया पब्लिक इंटरस्ट के, बिजली सस्ती की सी, समझे नहीं भाजी पिछे गल। लेकिन आ कुछ नहीं सी, ये पहला पखदा मसला पावर कट। अज दी रेट दे विच तुसीं पिंडां च देखो 2 घंटे बिजली आउंदी ते तुसीं सोचो लोग चीका मारदे आ, हाए दुहाई पई पई है। तो सोचो तुसीं कि जदों यही 16,000 मेगावाट हुई तो त्राही माम होऊ पंजाब। इस करके उन्होंने कहा कि जी इतिहास लैन की लड़ है, बैटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर दैन रिपेंट एंड रिपेयर। वी सीम टू बी रिपेंटिंग एंड रिपेयरिंग। ये सुपने साकार करने के लिए साधना की जोर सी, तुम झूठ वेचिया, तुम सुपने वेचे लेकिन साकार करने के साधन थोड़े को है नहीं। नंबर 2,
ਐਤਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਵ ਸ਼ਾਟ ਅਪ 3500 ਤੋਂ 4000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਝੇਲਦਾ ਹੈ MSP ਉਹਦੀ 9% ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 100% ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ 100% DAP ਦੀ ਖਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਫਾਫੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਝਾੜ 20-50% ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਹਰ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਏਕੜ ਤੇ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਫੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਝੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਓ 500 ਰੁਪਈਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਡਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 500 ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਮਨ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ 40 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਬ ਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇਰ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਤਾ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ 9,000 ਕਰੋੜ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ 9,000 ਕਰੋੜ NDMC 'ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ 3-4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਫਟ ਲੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੱਢੋ ਹੁਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 85% 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਸੀ
की लोड़ सी इन्हां फायदियां दी? बदलाव है या बदला है? वंडेटा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी। पंजाब दी अणख दी लड़ाई है साहब, पंजाब दा मुख्यमंत्री अणखीला चाहिदा है, तारां नाल नहीं हिल सकदा। अखीर च मैं कहना चाहना कि गेम कोई खेडदा, नचदा कोई है, तो बोलदा कोई है। तो जिहड़ा गेम खेडण वाला दिल्ली बैठा है, दी मैस्करेडर, उहदे मुखौटे उतर रहे ने। खुल्ला दा सुशील गुप्ते जिहना दम सी, किस अथॉरिटी नाल इहो जी स्टेटमेंट दित्ती है जी? ये उह नहीं बोलदा, उह केजरीवाल बोलदा। केजरीवाल बोलता वे एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो जो है हिम्मत पानी छड के वे सब तो अगे सिद्धू लेटेगा, डुबो है दम ते कर क्लीयर स्टैंड। तेरा की स्टैंड है? होर किलियां नूं रंग बदल जाने हो, हरियाणा जाने हो कोई रंग है, दिल्ली जाने हो कोई रंग है, तो जो इत्थे आने हो बेरंग है। ये की है? दिल्ली तक जावांगे, आवाज उठावांगे, मुद्दियां दी पहरेदारी है ना, पहला कदे औदियां दी इच्छा सी ना अज है। लेकिन पंजाब दे खिलाफ और जिंदगी इन्नी संतुष्ट है, सारा कुछ अचीव कुछ हमाले ते चढ़ के देख लिया भी की है भाई, फिर दूचा कितने चले जाएंगे। ये सूबा, ये सूबा, इहदी रेजरेक्शन, इहदा उत्थान, टू गैट इट बैक टू इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी, नीयत चाहिए है, नीयत, पोलिटिकल विल चाहिए है। एक इलेक्शन कंपेन नहीं है, पहले दिन तो होना चाहिए सीगा इनकम का प्रबंध, इन्हां ते इलेक्शन कंपेन बना ली साहब। सो संजीदगी वाले मुद्दे उस तरह रूहानी बना के चुके, गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दी है ही विल लुक इनटू द मैटर, ते दिल्ली तक आवाज जाएगी और दिल्ली तक फरियाद जाएगी, दिल्ली तक अगे मुलाकात भी होंगी। पोजिशन जोड़ा मैं तुम्हें दसी है, बोनस, लॉ एंड ऑर्डर, ये जी मुद्दे ने एस वाई आर देखो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, ये भय देने की पॉलिटिक्स जी है, इनू कोई अप्रीशिएट नहीं करता। दिस इज रिप्लेसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ होप, होप तो वड्डी तोप कोई नहीं महाराज, आस उम्मीद टुटी जाती है, तो इतने भय दे के लोगों को चुप कराया जा रहा सच बोलन तो, ते सच कितने दबदा है? प्रताड़ित जरूर हो जाता पर पराजित नहीं होता। आपने सर एक लाइन कही है लेकिन उसमें थोड़ा सा और लेकिन मजबूरी में क्या इसका बिल्कुल सिंपल सी बात है, पोलिटिसाइज कर दिया पुलिस को, पोलिटिसाइज कर दिया। अरे आप पुलिस की बात कर रहे हो, यहाँ हमारा मुख्यमंत्री क्या बोलूंगा सिद्धू साहब, हालांकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मैंबर रहे ने कुमार विश्वास, पर उन्होंने घर भी पंजाब पुलिस है ना, उन्होंने कितना देखते हो? इन्हू सिर्फ एको चीज ना देखते हैं भी सच की आवाज दबनी है, सर 26 तारीख को सच की आवाज दबनी है, सच नू खत्म करना है, ते झूठ नू 200 बार बोल के उन्हू सच बनाने की कोशिश करनी, ऐदा तुसी किसी नू दब नहीं सकते। लोकतंत्र दे विच कमजोर लोग तो दब जाते हैं, लेकिन जिन्हों को नैतिकता है, जिन्हों को मॉरल अथॉरिटी है, वो दबदे नहीं। मैं मैडम हूँ लास्ट थोड़ा जवाब दे रहा, जिदन अलका जी और कुमार विश्वास जी आवे थाने जावे जी, सिद्धू साहब कल राजा थाने जावे जी, जी।